जी कहिए। ये उसका छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे कौन है आप और क्या चाहिए आपको? उठाओ उठाओ, सबको उठाओ, राशन कार्ड पे जितना भी नाम है सबको इधर बुलाओ। यही है देवा। अच्छा अच्छा, आप है और आप? भाभी जी नमस्कार नमस्कार। मार बेबी नहीं दिख रही? प्रणाम माँ जी, माफ कीजिएगा, आपको इतनी रात को तकलीफ दिया मैंने, आप हैरान हो रहे हैं ना मैं कौन हूँ इतनी रात को क्यों आया हूँ। माँ जी मेरा नाम बाबूराव कामले है, नाम कोई लेता नहीं, बाबू बाबू करके बुलाते हैं, अभी लोगों का प्यार है। मैंने जिंदगी में पैसा दौलत नहीं कमाई, इज्जत कमाई। पानी दीजिए भाभी जी, आप रहने दीजिए, बेबी पानी लेकर आओ, पानी लो। आ जाओ लेके। माजी आप बहुत भाग्यवान है। जाओ बेबी सो जाओ, रात खराब मत करो, सुबह कॉलेज जाना होगा ना, जाओ जाओ सो जाओ। माजी मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मेन स्टोरी पे आता हूँ। आपको तो पता ही होगा, आपके बड़े बेटे ने मेरे आदमी रज्जी पांडे को मार दिया। जब भी मैंने ये खबर सुना इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, गुस्सा तो आया गया ना माजी। पांडे मतलब मेरा दाया बाजू था, काट दिया, मगर मैं जेल में था, क्या कर सकता था। फिर मुझे स्टोरी के दूसरे एंगल का जब पता चला तब मेरे समझ में आया कि आपके बेटे ने जो किया वो ठीक किया। अरे माँ बहन इज्जत और आदर के लिए है, फिर अपने देश में भाई बहन की इज्जत का रखवाला होता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भाई राखी बंधवा कर बहन को उसकी इज्जत की रखवाली का वचन देता है, तो फिर कैसे वो अपनी बहन के कपड़े फटते हुए देख सकता है। माँ जी आपको बोलता हूँ, मेरे आदमी ने इतना गिरा हुआ काम किया ना, मुझे बहुत शर्म आती है, तभी तो मैं जेल से छूटकर सीधा इधर आ गया। पांडे की स्टोरी का दी एंड तूने किया है, अभी तेरे स्टोरी का क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि हमारे इधर हर पिक्चर की कहानी में हीरो अपनी लड़ाई जोश में शुरू करता है, लेकिन आगे उसको बहुत मुश्किलें तकलीफें देखनी पड़ती है। तो आ जाना कल 11 बजे विठलवाड़ी चाल में। तेरे स्टोरी का अगला सीन क्या है उधर ये बताता हूँ। 11 बजे चलो भाई सो जाओ, सब लोग ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर सो जाओ, पूरे सपने नहीं आएंगे। चलो 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 सो जाओ। ए राशन कार्ड का जेरोस कॉपी लेके आना, ओरिजिनल रख के। बेटा इसे कल 11 बजे मिलना जरूर। चलो अभी तुम लोग सीन देखने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में हीरो की एंट्री। हेलो आ गया। सालों में समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारे साथ सीन क्या बनाऊं। तुम्हें बोल दूं माफी मांग लो या मांडवाले करो या फिर मेरे से हाथ मिलाकर मेरे साथ काम करो। ये साला सभी पिक्चर में इतनी बार आ चुका है कि पब्लिक देख देख के बोर हो चुकी है। साला तुम्हारे साथ नया सीन क्या बनाऊं? सीन बन गया, नया सीन। ये है बहू का जूता, अभी सीन ये है इसको मुझे ये जूता पहनाना है। भी ये सोच रहा है इतना अच्छा बॉडी है इसका, एकदम स्ट्रॉन्ग, और इतने लोगों के सामने अगर ये ऐसा करेगा तो इज्जत का कचरा। अपना हीरो टेंशन में है, मगर अभी ये सोच रहा है उसकी माँ है, भाई है, औरत है, बहन है, मतलब परिवार है। अभी इस पॉइंट पे उसको चलना चाहिए। चला।
जूता उठाएगा और पहनेगा। सिम किसका है? मेरा, मतलब भाऊ का। पहनो पहनो जूता पहनो। पहनो गुड, चलो उठो, पहनो पहनो पहनो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी बीवी मेरा परिवार है, और मेरा परिवार मेरी जिंदगी है। अगर तूने मेरी जिंदगी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे सीन लिख दूंगा जो ना तूने कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। सीन के बाद पिक्चर झोलनी खानी चाहिए, उठनी चाहिए, यहाँ से पिक्चर उठनी चाहिए। मालूम नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। माँ तू फिक्र मत कर, जब बोलेगी ना इसे तेरे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। अंजलि अब चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चलो जल्दी चलो, आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश। भैया हैं घर पे? नहीं, क्यों क्या हुआ? भाभी अंजलि अचानक कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। भाव कहाँ है? बता मेरी बहन कहाँ है? तेरी 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 बहन मुझे मुझे क्या मालूम? बता मेरी बहन कहाँ है? तेरी बता बहन, तेरी बहन मुझे क्या मालूम? कसम से साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। मैं तो गांव में गया था साहब, मैंने उसकी सुपारी नहीं ली साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसको। नहीं नहीं साहब, गांधी की बहन हमारे किस काम आ सकती है? आपकी जिंदगी से जुड़े दो मसले हैं, एक तो आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, और दूसरा आप गांधी और उसके परिवार को तबाह करके अपने बेटे की मौत का घाव भरना चाहते हैं। ये लड़की इन दोनों मसलों का हल है। तुम बात करते हो या पहले हम जाते हो? मैंने प्लान बना लिया है शिंदे साहब, चंदी घंटों का खेल है। ये देखिए, अब इसे पलट के पीछे देखिए, ये काम करने की मेरी फीस, उसमें से आधी रकम आपको पहले चुकानी पड़ेगी। पहले का मतलब अभी। 5 करोड़?
इतनी बड़ी रकम का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे करूंगा मैं? ख्वाहिशें बड़ी नहीं है मेरी, इसीलिए बहुत कम रकम मांगी है। और वैसे भी आप वो पुराने चीफ मिनिस्टर नायक की तरह जनता की सेवा थोड़ी करते फिरेंगे। कुर्सी पर बैठते ही आप करोड़ों की हेरा फेरी शुरू कर देंगे। ये तो एक ही सिग्नेचर में वसूल कर लेंगे आप। ठीक है, मगर ये काम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसमें मेरा नाम। सब तय है शिंदे साहब, काम नाम और अंजाम सब तय है। अब मुख्यमंत्री श्री विनायक शरद मोहिते मिस रानी देशमुख को मेडल देंगे। मिस रानी देशमुख, आप स्टेज पर आइए। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस रानी देशमुख। और हमारे अगले मेडल की विजेता है मिस नीतू देसाई। अंजलि, मैंने अभी अंजलि को टीवी पर देखा। टीवी पर? ये रहा रिमोट। चार सब। ना भाई। कौन से चैनल पर? चैनल का मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने देखा है। यही है, यही है, इधर। पर क्या कर रही है वो? मुख्यमंत्री की हत्या के 6 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर श्री नेगी ने हमसे खास बातचीत की। यस मिस्टर नेगी। जनता से हमारी गुजारिश है कि अफवाहों पर न जाएं और कानून का साथ दें। हम मीडिया के बहुत आभारी हैं जिनकी वजह से हमें सुसाइड बॉम्बर का वो फुटेज मिला। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो लड़की एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसका असली नाम अंजलि शर्मा नहीं बल्कि अंजलि गांधी है। इस लड़की का बड़ा भाई देवधर गांधी दिल्ली का बहुत बड़ा डॉन था। उसने कई लोगों की हत्या की, उनका अपहरण किया, उनको लूटा। ये सुर्खियों में आपने देखा होगा 6 साल पहले दिल्ली में। 4 साल से गांधी और उसका परिवार अपना नाम बदलकर मुंबई में छुपकर रहता था। कल रात को पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा मगर पूरा परिवार फरार है। छापे में उसके घर से कई आपत्तिजनक कागजात मिले हैं और साथ में एक प्लास्टिक बैग के अंदर 0.5 किलो काला पाउडर भी मिला है जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस आदमी का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर के मर्डर के पीछे इन लोगों का क्या मकसद था? पुलिस वाले और टीवी वाले सब झूठ बोल रहे हैं मैम। देव भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। मैम देव भैया की फैमिली ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। भैया भैया उस दिन ये अंजलि से मिले थे भैया। जी उस दिन मैं ड्यूटी पर था, आपकी बहन ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। यह है वो चिट्ठी। मैं अंजलि शर्मा उफ अंजलि गांधी अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रही हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरे भैया देवधर या मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इसके लिए
मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। चिंदे साहब के बेटे को आपने दिल्ली में मारा था, इसलिए उन्होंने अपनी दुश्मनी मिस्टर गांधी मुझे शिंदे साहब ने मजबूर किया था। मैं मजबूर था मिस्टर गांधी। हाँ देखो वहां पे ठीक से देखो, कुछ भी नहीं है साहब। और यहाँ पे देखा, ये मार्क्स देखे। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे आदमियों ने शेर की मान में घास प्लेट तो डाल दिया, लेकिन जब आग लगाने चले तो माचिस नहीं जली? ये था तुम्हारे प्लान? मगर शिंदे साहब। क्या शिंदे साहब? क्या शिंदे साहब? पीए की लाश मिलने का मतलब है गांधी को सब पता चल चुका है। तो फिर आप ही बताइए आगे क्या करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए मतलब? करोड़ों रुपया तुमने लिया है और अब क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊं? तो फिर अपना दिमाग ठंडा रखिए शिंदे साहब, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इत्मीनान से करने दीजिए मुझे। अरे लेकिन क्या करेंगे और कब करेंगे? अब गांधी को मारना आसान होगा क्या? अब तो प्लान वो कर रहा होगा कि हम दोनों का क्या करना है। अब तुम सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूं, आप अपना देखिए, मैंने अपना सोच लिया है। अपना क्या सोच लिया है? मेडिकल लगाकर मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। क्या तुम छुट्टी पर जा रहे हो इस वक्त? तुम्हें मालूम है कल मुझे मुख्यमंत्री की शव यात्रा में शामिल होना है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि कल गांधी हम दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। आखिर गांधी से हम लोग डरते क्यों हैं इतना? क्या है उसके पास? क्या फौज है उसकी? 2, 4, 8, 10 कितने लोग हैं? सबको धूल चटा दूंगा कल, एक एक करके सबके सब मारे जाएंगे। कल शव यात्रा कहां से और कितने बजे निकलेगी? शव यात्रा कहीं से भी निकले, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। राकेश, जान की किसको फिक्र है? Think about your mother. Think about your brother and your wife. के साथ ही भावी मुख्यमंत्री पद की दौड़ तेज हो गई है और उसमें सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम मनोहर शिंदे का है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। शिंदे साहब मुबारक हो। मुबारक बात बाद में, पहले उस गांधी को खत्म करो। अरे आप घबराते क्यों हैं? मेरी पूरी टीम इसी काम के पीछे लगी हुई है। हीरो या विलन, दिल्ली के जिस डॉन देवधर गांधी को मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश का जिम्मेदार माना जा रहा है, उस बारे में दिल्ली की जनता क्या कहती है, आइए ये देखते हैं। हम देवधर गांधी के छत पे खड़े हुए हैं, वो हमारा बच्चा है। सीता देवी और उनका परिवार हमेशा लोगों की मदद करता रहा है। सारा मोहल्ला जानता है, उसको जरूर फंसाया जा रहा है। नो, देवधर गांधी हीरो है, कोई विलेन नहीं। एसिड से चली लड़कियों के इलाज के लिए पैसे देने वाला क्या आतंकवादी हो सकता है? देवधर गांधी हीरो है, हीरो। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले देवधर गांधी ने सिर्फ इसी चैनल से बात की, उसने अपने परिवार और खुद को बेकसूर बताया है। देवधर गांधी आप कहां से बोल रहे हैं? ये जल्दी पता चल जाएगा, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार बेकसूर है। मैं या मेरी बहन ने आदरणीय मुख्यमंत्री की हत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मैं या मेरा परिवार कोई आतंकवादी नहीं, ना ही किसी देशद्रोही संगठन से हमारा संबंध है। एक बड़ी साजिश के तहत मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? राज्य का बहुत बड़ा मंत्री,
और एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर। मैं नाम नहीं लूंगा अभी। क्यों, आप नाम क्यों नहीं लेंगे? मैं उनको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ कि 4 बजे तक वो लोग खुद जनता के सामने आए और उन्हें सच बताए। 4 बजे ही क्यों? क्योंकि 4 बजे के बाद मैं वीडियो सबूत के साथ हाईकोर्ट में खुद सरेंडर करूंगा। कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए वो। नहीं पहुंचेगा मंत्री जी। हाँ, वो कॉल ट्रेस किया तुमने? और किस वीडियो सबूत की बात कर रहा है वो? अगर अगर मेरा नाम आ गया तो? साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है वो हमारे साथ, ताकि हम कोई गलती करें और फंस जाएं। सुनो शर्मा, तुम पूरी टीम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच जाओ। हर गेट पे, हर एंट्री पे स्नाइपर्स खड़े कर दो। जैसे ही वो देखे उसे गोली से उड़ा दे। या शूट टू किल। हत्या की साजिश उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब और पुलिस कमिश्नर नेगी साहब ने मिलकर रची थी। ये क्या कह दिया इसने? वो दोनों एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे। एक मुख्यमंत्री जी को मारकर खुद मुख्यमंत्री बनना और दूसरा देवधर गांधी और उसके परिवार पर हत्या का इल्जाम लगाकर अपने बेटे की हत्या का बदला लेना। इस काम को अंजाम देने के लिए नेगी साहब ने शिंदे साहब से 5 करोड़ रुपए लिए। इस साजिश का मैं एक चश्मदीद गवाह ही नहीं बल्कि एक अपराधी भी हूँ। देवधर गांधी की बहन को सुइसाइड बॉम्ब पहनाकर मैं ही स्टेज पर ले गया था। पुलिस कमिश्नर नेगी साहब ने देवधर गांधी की बहन पर दबाव डाला कि अगर उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो वो उसके परिवार को मार देंगे। शिंदे साहब, मुझे 5 करोड़ दीजिए। इधर गांधी की बहन के हाथों सीएम मरेगा, उधर उसका परिवार, और हम देवधर गांधी को मार कर उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे। ये थी तुम्हारी प्लानिंग? इसी के 5 करोड़ लिए तुमने? कोई दान नहीं लिया था मैंने आपसे मिस्टर शिंदे। सीएम को मारकर कौन सीएम बनना चाहता था? मैं आप? कौन उसकी गद्दी पर बैठना चाहता था? मैं या आप? मुझे सिर्फ 5 करोड़ रुपए देकर अरबों रुपए कमाने का सपना किसने देखा था? आपने मिस्टर शिंदे, आपने। बड़ी डींगे हाकी थी कैसे देवधर गांधी के दोस्तों को झूठे एनकाउंटर में मारा, उसे दिल्ली से भागने के लिए मजबूर किया। कैसे उसे यहाँ पे? इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर शिंदे। सोचने का वक्त है, मुझे सोचने दीजिए। तू सिर्फ अपनी सोच, नेगी सिर्फ अपनी।
हाँ, गांधी का फोन ट्रेस किया तुमने? यस सर। किस नंबर से फोन किया उसने? 9322181851। फिर से बोल। 9322181851। गांधी ने मेरे घर से फोन किया। तुम अंदर कैसे आए? मैं लेके आई हूँ। इंदु, तुमने? सेम साहब का खूनी है, मेरा दुश्मन है, और तुमने इसे हमारे घर में पना दिया। हमारे घर में नहीं, तुम्हारे घर में। ये मेरा घर नहीं है। मैं चलती हूँ देवा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ देवा, जो भी करना विश्वास के साथ करना। सुनो देवदत्त, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात से हर समस्या सुलझ सकती है। हम ये सारा इल्जाम किसी और पर डाल देंगे, किसी पर भी। और रही तुम्हारी बहन, तो डीएनए रिपोर्ट में दिखा देंगे कि वो लड़की कोई और थी। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम और तुम्हारा परिवार बेकसूर है, ये मैं बोलूंगा, अपने मुंह से बोलूंगा। ऐसे वक्त पर सौदेबाजी नहीं करते शिंदे, जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो। दुनिया ही रिश्ते में आप मेरे सौतेले भाई हैं। अगर सौतेला भाई आप जैसा होता है तो मैं दुआ करूंगी, भगवान हर बहन को ऐसा सौतेला भाई दे। भगवान से बस एक ही शिकायत है, आप जैसे भाई पे कुर्बान होने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों दी? अगले जन्म में मुझे अपनी बहन नहीं, अपनी बिटिया बनाना। आपकी बहन अंजलि। मेरी बहन को आरडीएक्स कहाँ लगाया था तूने? यहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? बोल, बोलता क्यों नहीं?